तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार हैं आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। यूपी के हाथरस की घटना है, वहाँ पर एक दलित महिला जो 19 साल की थी उनके साथ चार जनों ने गैंगरेप किया हुआ है और उसको छिपाने के लिए हॉस्पिटल में भी उसकी केयर नहीं की गई है और हम भी महिला से ही वो रखते हैं लेकिन हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उन पर कोई केयर नहीं की जाती है। हॉस्पिटल में उनकी देखभाल भी नहीं की और उन्होंने पूरी कोशिश उसी वक्त करने की थी लेकिन उनकी जबान काट दी गई है कि ये बता नहीं पाए और उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। उसके अलावा वहाँ देखभाल नहीं की, हॉस्पिटल में वहीं वो ख़त्म हो गई और रात के 2:30 बजे पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्होंने उनका दाह संस्कार कर दिया गया है और उनके माँ बाप गाड़ी के आगे रोकते हुए एम्बुलेंस के सामने गिड़गिड़ाए रोए लेकिन उनको उनका मुंह भी नहीं दिखाया गया। इस तरह से अगर यूपी सरकार में ऐसा ही चलता रहा, देश में ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश की कहीं भी कोई तरह की इज्जत नहीं होगी और आगे देश विकास भी नहीं करेगा। नहीं तो महिलाएँ जब आगे बढ़ेगी कंधे से कंधे मिलाकर आदमी के साथ चलेगी तो हमारा देश का विकास भी होगा लेकिन ये घटना इतनी शर्मसार है कि इससे आगे कोई घटना हो ही नहीं सकती है। मैं चाहती हूँ, मेरा नाम पार्वती वर्मा, महिला सहकारी समिति की अध्यक्ष। पी में जो थोड़ा टाइम पहले, अभी 5-7 दिन पहले घटना घटी थी, एक वाल्मीकि समाज की महिला जिनकी उम्र 20 साल है, उनको गाँव में वो खेती के काम से गई थी, खेत पर गई थी कोई काम से, तो कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने उनके साथ में बलात्कार किया, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उनकी जीभ काट दी गई, फिर उनसे नहीं रहा गया तो अस्पताल में भी मतलब उनको पूरी तरह से, उस महिला को पूरी तरह सहायता नहीं मिली। यूपी की सरकार अपने इस कृत्य को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा उस महिला को रातों रात अस्पताल से ना घर ले जा करके सीधे दफना दिया गया, परिवार को नहीं बताया गया, जबकि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कोई भी महिला या पुरुष की मौत होती है तो उसको 5 बजे से पहले दाह संस्कार किया जाता है। ये कैसा देश है, किस तरह के हमारे देश में शासन हो रहा है, केंद्र सरकार भी इसमें लिप्त है और वहाँ की योगी सरकार भी पूरी तरह से लिप्त है। पूरे देश में दलितों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, संविधान को पूरी तरह से लागू करने की ज़रूरत है। आज मैं मांग करता हूँ कि हर स्कूलों में बच्चों को संविधान पढ़ाया जाए ताकि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। बस इतना कहकर धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको चैनल का और मेरे साथ में महिला, मेरा नाम ओम प्रकाश बेलवाल है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी का।